एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी। एबीपीएस की खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत की। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, गाजीपुर के विधायक त्रिवेणी राम जी मौजूद हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है, धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में गाँव की स्थिति वही है जो पहले हुआ करती थी। ये सही बात है, 70 साल भारत को आज़ाद हुए हुआ, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव में वो नहीं मिल पा रही हैं, और बहुत सारे कमियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग हैं वो आवास से वंचित हैं, शौचालय से वंचित हैं, पेंशन से वंचित हैं, राशन कार्ड से वंचित हैं। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कमी है। विधायक जी बताइए, प्रदेश के विकास में शिक्षा भी आती है। गांव में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन उसमें बहुत साफ सफाई नहीं है, और उसमें सरकारी स्कूलों में टीचर वगैरह नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? है, कुछ पिछली सरकारों में कमियां रही। पिछली सरकार में जो है शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया, आज जो है कहीं ना कहीं सरकार की कमी के वजह से हाई कोर्ट ने निकाल दिया, और बहुत सी कमियां स्कूल में हैं। अध्यापक जो है 50,000 तक तनख्वाह पाते हैं, लेकिन बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बैठकर अपने मौज मस्ती करते हैं, घर की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, पढ़ाने के काम नहीं करते हैं। और हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ जितने बहुत से नौजवान हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, BTC किए हैं, BEd किए हैं, उन लोगों को सरकार संविदा पर ही रख दे तो शिक्षा का सुधार हो सकता है। विधायक जी, विधायक गांव में देखा गया कि बहुत सारे अस्पताल हैं लेकिन उन पर ताला लगा है, गाँव में अस्पताल हैं लेकिन साफ सफाई नहीं और डॉक्टर भी नहीं है, इसके क्या कारण है? कारण है संख्या कम है, नियुक्तियां अभी रुकी हुई हैं, नहीं हो पा रहा है। अगर नियुक्ति हो जाए तो डॉक्टर सभी अस्पतालों पर आ जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, सुचारू रूप से अस्पताल चलेगा। और साफ सफाई तो बहुत गंदा है, हम तो देख चुके हैं, घूम घूम के कई हॉस्पिटलों को देखे हैं हमने, और देखा, हिदायत भी दिया, उसके बाद भी साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। विधायक जी, हमारे प्रदेश में 59,163 गांव हैं, जिनमें से बहुत सारे गांव में अभी भी जो मौलिक जरूरतें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? पहल सरकार कर रही है, अब देखिए योजना तैयार हो रहे हैं, अभी तो 10 महीने सरकार को बने हुआ, लेकिन जो पिछली सरकार की देन है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार सब में लिप्त थी सरकार, अभी उसको दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं, एक सचिव 10 से 5 ग्राम पंचायत संभालता है, आपका इसमें क्या कहना है कि एक सचिव के ऊपर एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए या एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक सचिव होना चाहिए? एक ग्राम पंचायत के साथ एक सचिव होना चाहिए, इससे सुचारू रूप से विकास कार्य होंगे। यहाँ एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 10-10 गांव देखता है, 5-5 गांव देखता है, सुचारू रूप से हर जगह पहुंच नहीं पाता है, बड़ी समस्याएं होती है गांव सभा में। जी विधायक जी, बताइए कि गांव के लोगों का जो धन है वो पशुधन है, लेकिन गांव में पशु चिकित्सालय तो है ही नहीं, इसका क्या कारण है, इससे आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने कहा है कि गांव-गांव में पशुशाला खोलेंगे, और आज तो मैंने पेपर भी पढ़ा, न्यूज पर भी देखा कि हर किसानों को स्वस्थ 2 गाय देंगे, पशुपालन का बढ़ावा होगा। विधायक जी, बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान का इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर ये क्या ये सही है, अगर सही है तो कैसे? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना था तो BPL सूची से ही बनता था, यह जो है 2002 में BPL सूची बनी,
छः में लागू हुआ। छः से मालूम हुआ कि आवास जो है इंदिरा आवास बीपीएल सूची में जिसका नाम रहेगा पात्रता श्रेणी में उसका बनेगा। उसके बाद 2011 में हुआ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी उनके यहाँ गरीबों के सवाल पर हमारे आदरणीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने रखा कि जो ये पात्रता सूची आवास के लिए बनी है वहाँ कहीं न कहीं कमियाँ हैं, जो गांव में घूमने पर पता चलता है कि 100-100, 200-200 की संख्या में कच्चे मकान और ये झोपड़ी में रहते हैं। तो और आवास जो पात्रता सूची की जो है आवास के लिए उसमें जो है 10-5-2 कहीं है और पात्र लोग वंचित हैं, अपात्रों का नाम है। तो रखे और रखने के बाद ये फिर से सर्वे हुआ गांव-गांव में और आज जो है बड़े पैमाने पर पात्र लोग आ गए हैं। अब वह जो है सूची 2000 अप्रैल 2018 से लागू होगी। विधायक जी बताइए कि प्रदेश बहुत सारे कई प्रदेश है उसमें किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? अब भाई हर स्टेट का अलग अलग अपना होता है। अब यहाँ जो है मांग तो चल रही है, विपक्ष तो रोज हल्ला करता है लेकिन अभी यह जो है कारण इसका है, कारण ये है कि बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारे यहाँ प्रदेश में या जिला में ले लीजिए या ग्रामीण क्षेत्रों में ले लीजिए, कारण ये है कि एक व्यक्ति जो है कनेक्शन से चल रहा है, जला रहा है लाइट और पंखा और कम से कम सैकड़ों की संख्या में बगैर कनेक्शन के आज भी चला रहे हैं। जो है राजस्व बिजली घाटा बहुत होती है, राजस्व घाटा होता है इसलिए जो है फ्री नहीं हो पा रहा है। विधायक जी बताइए कि आपके हिसाब से गांव में ऐसी क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए जो कि आम इंसान अपनी जिंदगी खुशहाल जी सके और अपने परिवार को भी खुश रख सके। देखिए खुशहाली के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और सुहलदेव भारती समाज पार्टी चाहती है कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो, एक से लेके कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए, कलम बनाना सिखाया जाए, रेडियो बनाना सिखाया जाए, टीवी फ्रिज बनाना सिखाया जाए। सबसे विकास के लिए शिक्षा जरूरी है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग वंचित हैं शिक्षा से और उसका कारण है। सुहलदेव भारती समाज पार्टी चाहती है कि बिहार के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए। अगर शराब बंद हो गया जिस दिन तो समझ लीजिए कि 50% गरीबों का विकास हो जाएगा। विधायक जी हमारी ग्रामीण जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने तरफ से ग्रामीण जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को 100% स्कूल भेजें, पढ़ाएं लिखाएं। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में या तमाम जगहों पर जो शराब पीते हैं लोग उसको बंद करें, यही हम संदेश देना चाहते हैं। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे विधायक गाजीपुर के विधायक त्रिवेणी राम जी, आगे भी हम आपको अन्य लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।